फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले की सब्जी। ये बिना टमाटर के बनती है, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 3 आलू 2 प्याज, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, दही, ऑयल, फ्रेंड ये हमें चाहिए होगा। अब हम सबसे पहले इनको छील के नमक लगा के रात भर के लिए रख देंगे। फ्रेंड इसे आप जो आलू छीलने वाला आता है ना, उससे छील सकते हैं बड़े इजीली। ये देखिए मैं आपको छील के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम छील लेंगे और गोल गोल काट लेंगे। काटने के बाद हम इन्हें रात भर के लिए नमक लगा के रख देंगे। नमक लगाने का रीज़न है, करेले में से कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है, करेले कड़वे नहीं लगते। तो अब मैं इसे छील के, सारे छील के गोल गोल काट के, अब देखिए मैं इसको ना नमक लगा देती हूँ और रात भर के लिए इसे ढक के रख दूँगी और फिर हम सुबह इसकी सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है, आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइए। आपके बच्चे भी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे भी खा लेते हैं ये सब्जी, बड़ी टेस्टी बनती है। देखिए फ्रेंड, मैंने वॉश कर लिया अपने करेलों को और लंबे लंबे 3 जो हमने आलू लिए थे वो काट लिए हैं और लंबे लंबे ही प्याज काट लिए हैं मैंने। ये देखिए मैंने वॉश करके रख लिया है। अब हम मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। जैसे ही मेरा तेल गरम होगा ना, मैं इसमें सबसे पहले आलू फ्राई करूँगी। ये फ्रेंड हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ की वजह से हम इसे शैलो फ्राई ही कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड हल्के हल्के ब्राउन होने लग गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी इसे ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्के ब्राउन ही इसे अभी निकाल लूँगी। थोड़ा सा और हो जाए बस, इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, लेकिन हम इसे ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए अब मैं ना, मेरे हल्के ब्राउन हो गए तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये पक चुके हैं अंदर से, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। देखिए मेरी कढ़ाई में अभी भी तेल है। अब इसी तेल में ना हम हमारे जो करेले कटे हुए हैं उन्हें डाल देंगे। अब सबसे पहले हम ये फ्राइज निकाल लेते हैं जो हमारे 3 आलू थे उसके। ये देखिए मैंने निकाल लिए। अब ये मैंने अपने जो कटे हुए धुले हुए जो करेले थे वो मैंने इसमें डाल दिए। ये देखिए फ्रेंड इसी तेल में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और हमें तब तक इन्हें फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड आप देख रहे हैं कढ़ाई में से ना सारा तेल ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ना, वैसे वैसे ये अपना तेल छोड़ने लग जाएंगे और फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये हमारा, इसकी बनने की निशानी है कि ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। अब देखिए आप धीरे धीरे ये पक रहे हैं, अभी हल्के ब्राउन हुए, जैसे ये ज़्यादा ब्राउन हो गए देखिए इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे हम बाहर निकाल लेंगे इनको, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए एक तरीके से तले हुए हो गए हैं, शैलो फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब जो ये कढ़ाई में हमारा तेल बचा है ना, इसी तेल में हमें अपनी पूरी सब्जी बनानी है। ये 1 चम्मच तेल बचा होगा, छोटा चम्मच तेल है, अब इसी में हमारी पूरी सब्जी बन जाएगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया आलू और करेला। अब जो हमने 2 बड़े प्याज काटे थे उन्हें फ्राई कर लेंगे इसी तेल में। हमने वही 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, उसके अलावा हम तेल नहीं लेंगे। और देखिए ये थोड़े से ही तेल में प्याज फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं मेरे। अब मैंने इसके अंदर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, अब मैंने इसके अंदर अपना जो करेला और जो शैलो फ्राई करके रखा था ना आलू, वो मैंने तीनों को अब मिक्स कर दिया है। पहले अलग अलग मैंने उनको तला, अब तीनों को मिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर इसके सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी और साथ साथ में आप हिलाते भी रहिए। हल्दी के बाद हम डालेंगे नमक, एक चम्मच, छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है।
एक छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाली। अब हम इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च, इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल दी है मैंने। और फ्रेंड्स साथ साथ में इसे हिलाते रहना है, जिससे हमारे ना करेले, आलू और प्याज के अंदर ये जो मसाले हैं वो साथ साथ में डलते जाए। जैसे जैसे आप मसाले डालें वैसे वैसे, अब मैंने डाल दिया गरम मसाला। देखिए मैं बार बार जो जैसे जैसे मसाले डाल रही हूँ बार बार हिलाती जा रही हूँ, जिससे मेरी मसाले एक जगह इकट्ठे ना हो जाए, हर जगह डले। अब इसका मेन इन्ग्रीडियंट है दही। फ्रेंड बनने के बाद 5 मिनट पहले ही, हम जब गैस बंद करेंगे उसके 5 मिनट पहले हम इस दही को डाल देंगे करेले में, और इसे 5 मिनट के लिए, पहले तो हम अच्छे से हिला लिया, हिलाने के बाद हमें 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे इसका। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाना है। और ये देखिए हमारा हो गया है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी, ये 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल के सर्व कर लूँगी। फ्रेंड ये बहुत टेस्टी होती है, आप मानेंगे नहीं, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से ये खा लेते हैं। बस एक रायता और डाल दो इसके साथ, और साथ में रोटी हो, पराठा हो, बड़ा मज़ा आता है खाने में। मैंने लाइफ में कभी करेला नहीं खाया, पर इस टाइप का करेला मुझे इतना पसंद है पूछो मत। तो फ्रेंड देखिए मेरा करेला तैयार है। आज का मैं आपको मेरा लंच भी बता देती हूँ। आज मैंने घर पे पकोड़ी का रायता बनाया है, अपने घर में ही पकोड़ी बनाई है। अगर आप इस पकोड़ी का वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर डालूँगी,